कोई दीप जलाकर दिवाली मनाता है तो कोई पटाखे चलाकर दीपावली उत्सव का आनंद लेता है, लेकिन सुजानपुर आर्ट ऑफ लिविंग इकाई द्वारा दीपावली पर्व के आयोजन पर साधु भंडारे का आयोजन किया गया। दीपों के इस महापर्व पर प्रतिवर्ष इसी तरह साधु भंडारे का आयोजन संस्था के तमाम सदस्यों द्वारा एकजुट होकर किया जाता है। साधु भंडारे से अभिप्राय एक साधु को पूरे माह भर के राशन का प्रबंध करवाने से है। कोरोना काल में जहां मंदिरों में लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी, ऐसे में इन साधुओं की अन्य किसी तरह से कोई और इनकम न होने के चलते उनके भोजन आदि की व्यवस्था करने का जिम्मा आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा लिया गया है। प्रत्येक माह में 5 ऐसे साधुओं के पास संस्था के सदस्य पहुंचते हैं और उन्हें अपनी नेक कमाई के कुछ अंश से उनके महीने भर के भोजन का प्रबंध साधु भंडारे के रूप में किया जा रहा है। दीपावली पर्व पर सुजानपुर और इसके आस पास रहने वाले 5 साधुओं को साधु भंडारे का राशन वितरित किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग इकाई सुजानपुर के प्रवक्ता एवं योग शिक्षक अजय शर्मा ने बताया कि साधु भंडारे के तहत 5 साधुओं को एक एक महीने का राशन, जिसमें तमाम खाद्य वस्तुओं अन्य उपयोगी वस्तुएं वितरित की गई हैं। ये जो राशन इत्यादि उन तक पहुंचाया गया है, इसमें तमाम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों का पूरा सहयोग रहा है। संस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों तक भोजन उपलब्ध करवाना है, जिसके चलते दिसंबर महीने में भी 5 ऐसे साधकों को साधु भंडारे के रूप में राशन वितरित किया जाएगा। इकाई प्रवक्ता ने लोगों से अपने आस पड़ोस में रह रहे ऐसे लोगों तक भोजन राशन पहुंचाने की अपील की है, ताकि हर किसी को भोजन मिल सके। जय गुरुदेव। दीपावली के दिन सुजानपुर आर्ट ऑफ लिविंग की इकाई ने एक साधु भंडारे का आयोजन किया है। इस साधु भंडारे के अंदर हम एक साधु के लिए पूरे एक महीने का राशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल और जो भी उनका खाना बनाने की के लिए पूरा एक महीने का राशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो आयोजन किया गया, सुजानपुर आर्ट ऑफ लिविंग इकाई के बहुत सारे मेंबर्स ने इसमें अपना सहयोग दिया, तो जो भी उनकी आय का कुछ कुछ अंश वो उन्होंने डाला उसमें, और सबके सहयोग से इस साधु भंडारे का आयोजन किया गया। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बताते हैं कि हर महीने की अमावस्या को हम ये साधु भंडारा करते हैं। कहते हैं कि साधुओं को दिया गया दान नॉर्मल दान से उच्च कोटि का दान माना जाता है। और इसका अगर दूसरी विधि से भी देखा जाए, तो जब से हमारा लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है, तो मंदिरों में बहुत सारे लोगों का आना जाना कम हुआ है, क्योंकि साधु लोगों का कुछ ऐसा तो है नहीं है कि इनकम का कोई सोर्स है, तो इसलिए हम सबको आगे आ करके उनकी एक किस्म से सहायता भी हो जाएगी। और सबसे बढ़िया था कि आप अपने हाथ से उनके लिए कुछ दान का प्रावधान भी कर सकते हैं। सो आज का ये साधु भंडारा बहुत ही अच्छा रहा, संपन्न रहा, जिसमें हम 5 साधुओं को हमने साधु भंडारे का वो किया, जिसमें एक बैरी के साधु रहे, एक सुजानपुर के में हमारे माता जी हैं, और सुजानपुर में एक और साधु हैं हमारे, और इसी तरह एक भड़मेली में हमारे साधु हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 5 साधुओं के लिए हमने आयोजन किया गया, और अगले महीने में हम फिर से एक साधु भंडारे का आयोजन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पुण्य कार्य में अपने आप को आगे लेकर के आएंगे। कहते हैं कि दान से धन की शुद्धि होती है और ध्यान से मन की शुद्धि होती है, तो जो भी हम अपनी कमाई हमारी रहती है, उस कमाई का छोटा सा अंश अपनी इच्छा अनुसार जो भी है अपने दान में दे सकते हैं, ताकि आपके धन की शुद्धि हो इससे। धन्यवाद।